नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रही दोस्ती से पार्टी के कई नेता नाराज है। जी हां, रालोसपा पार्टी के कई नेता नाराज है। नाराज नेताओं ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तकरीबन 41 की संख्या में नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो आरएलएसपी के लिए बहुत ही बुरी खबर है और पार्टी में ये बड़ी टूट माना जा रहा है क्योंकि 41 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों भी रालोसपा से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, यानी कि पार्टी का दामन छोड़ दिया था कई नेताओं ने, जिसके बाद एक बार फिर से रालोसपा को बड़ा झटका लगा है। 41 की संख्या में नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में रालोसपा का मर्जर हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। इस खबरों के बीच पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी से अलविदा कह दिया है। हालांकि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में अपनी पार्टी के विलय को निराधार बताया था। इन सबके बीच 13 और 14 मार्च को रालोसपा की बड़ी बैठक भी होने वाली है। जी हां, इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी के सुप्रीमो, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के हो जाएंगे। अब तक के अपडेट के मुताबिक इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार जदयू के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह इस मामले को लेकर के डील कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा इस डील के बाबत दिल्ली से पटना तक कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं। पूरे मामले में नीतीश कुमार चाहते हैं कि रालोसपा का जदयू से मर्जर हो जाए, यानी कि विलय हो जाए रालोसपा का जदयू में, जबकि उपेंद्र कुशवाहा हिचकिचा रहे हैं। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य बनाए जाने का मामला भी उपेंद्र कुशवाहा से चल रही बातचीत की वजह से लटका हुआ है। माना जा रहा है कि जदयू उपेंद्र कुशवाहा को राज्यपाल कोटे से MLC बनाने को तैयार है, बशर्ते उनको अपनी पार्टी का जदयू में विलय करना होगा। जी हाँ, रालोसपा का जदयू में मर्जर करना होगा, इस तरह की शर्तें रखी गई हैं। 13 और 14 को बड़ी बैठक होने वाली है रालोसपा की, सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि आरएलएसपी के प्रवक्ता धीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आगे की रणनीति के लिए पार्टी के राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद और जिला अध्यक्षों की बैठक 13 और 14 मार्च को बुलाई गई है। इसमें पार्टी के कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। हालांकि पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी रालोसपा के जदयू में विलय के सवाल को निराधार बताते हुए कहा था कि पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पार्टी कोलोजियम सिस्टम के खिलाफ, शिक्षा के सवाल पर और किसान युवाओं के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा था कि पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जन सरकार के मुद्दे पर सवाल उठाती रहेगी। इन सब के बीच बिहार में रालोसपा छोड़ने वाले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को यानी कि कल 41 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर आरएलएसपी से नाता तोड़ लिया। मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया कि अभी यह सिलसिला शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता इस्तीफा देंगे। जी हां, तो जदयू से दोस्ती महंगी पड़ रही है रालोसपा को, कह सकते हैं। पार्टी से 41 नेताओं ने तो इस्तीफा दे ही दिया है, लेकिन आगे भी कई नेता इस्तीफा देंगे, ऐसा कहना है विनय कुशवाहा का। जी हाँ, पार्टी के नेता हैं विनय कुशवाहा, जो कि अभी पार्टी से रिजाइन मारे हैं। उन्होंने इस तरह की बातें कही मीडिया के सामने। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा उनसे ही गलबहिया कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समुदाय को गुमराह किया है। रालोसपा के 90% कार्यकर्ता जदयू में विलय के पक्ष में नहीं है। जी हां, तो नीतीश कुमार से दोस्ती उपेंद्र कुशवाहा को भारी पड़ रही है। पार्टी के नेता नाराज चल रहे हैं। आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज को गुमराह करने की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार से दोस्ती उपेंद्र कुशवाहा को महंगी पड़ रही है। पार्टी से 41 नेताओं ने
इस्तीफा देते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा आरोप लगाया है, कुशवाहा समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।